सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चंडीगढ़, पंचकुला, रोहतक में अनेक हस्तियों ने किया योग। आम जनता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लिया भाग। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हरियाणा में विभिन्न हस्तियों ने लोगों को प्रेरित करने के लिए योग कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सांसद किरण खेर ने योग किया। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम हर हिंदुस्तानी को, विश्व के हर उस ग्लोबल सिटीजन को आभार व्यक्त करती हूँ जो योग साधना में हम सब एक साथ जुड़े एक सूत्र में, इसके लिए अभिनंदन देती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया विश्व स्तर पर कि संतुलित मन और स्वस्थ तन के लिए पूरा विश्व एकत्रित हो योग साधना में, और आज जितने लोगों ने बढ़ चढ़कर चंडीगढ़ में इसमें हिस्सा लिया है, विशेषतः चंडीगढ़ की प्रशासन को, हमारी माननीय सांसद श्रीमती किरण खेर जी को, संजय टंडन जी को, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना बधाई, क्योंकि इस साल पिछले साल के अगर आप संख्या देखें तो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी दी है। ये एक मास सिटीजन्स मूवमेंट बन चुका है, नेशनली नहीं बल्कि ग्लोबली, जिसके लिए अभिनंदन के हकदार नागरिकों के साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत योगदान दिया। पूरे शहर के लोगों ने और दिव्यांगों ने भी साथ में हिस्सा लिया, तो मैं अभिनंदन करती हूँ सबका और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि पूरे विश्व में उन्होंने योगा डे मनवाया है और हर साल मनाते हैं लोग। थैंक यू सो मच। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकुला में योग किया और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित भी किया। उपस्थित सभी योग के शिक्षकगण और इतनी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष, साथ में बच्चे भी, कई परिवार की तो तीनों पीढ़ी भी इसमें उपस्थित हो सकती है। तो चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, उसकी आप सबको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रोहतक की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी बालकपुरी मेमोरियल पार्क में निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में रोहतक पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, LPS बोसाड़ के MD राजेश जैन, स्वामी परमानंद आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में योग किया। सारे संसार में चौथा योग दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो लाखों वर्षों से हमारे देश में योग की परंपरा रही है, परंतु 2015 में जननायक भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर योग के ऊपर सारे संसार को आह्वान दिया और सभी देशों को भारत के साथ चलने की अपील की, और दुनिया के सभी देशों ने मिलकर आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो घोषित किया। और आज हम देख रहे हैं कि जहां भारत में तो कई करोड़ लोग आज योग करेंगे, अमेरिका जैसे कंट्री में भी 2.5 करोड़ लोग जो है वो योग करेंगे, और संसार के बहुत से राष्ट्रों में आज योग का ये कार्यक्रम हो रहा है। वहीं महंत बालकनाथ ने पूरे विश्व को योग दिवस पर बधाई दी। इस अवसर पर मैं पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों का भी तो पूरे विश्व को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उनको उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि वो आप योग के साथ जुड़े, क्योंकि योग ही अपना प्रकृति के साथ जुड़ने का एक योग ऐसा साधन है जिसमें हम अपने जीवन को सुरक्षित, और एक तरह से मैं कहूँ कि पूरा हम अपने जीवन को एक सुरक्षा दे सकते हैं आने वाले समय की तरह तरह की बीमारियों से।